लेट हो गया, फिर से लेट हो गया, फिर से लेट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी, पाठशाला रेलवे एग्जाम फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर मैं लेट हो गया हूं, 7 मिनट लेट हूं आज, ठीक है। तो सभी लोग एक बार क्लास को दबा के जरा शेयर भी कर देंगे। साक्षी मिश्रा जी, चित्रसेन बिस्वाल, जेडी कोरी, चित्रसेन बिस्वाल, गीतांजलि, नवलेंद्र, दिनेश और सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है। कोई यहाँ पर खास बातें बातें नहीं करेगा, ठीक है। सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों एक बार रिहर्सल कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, एक बार पुरानी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों की 1000 क्लास की क्लास, 1000 क्वेश्चन की क्लास जो अपनी चल रही है, टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी 30 दिन के लिए, तो उसकी आज दोस्तों 7वीं क्लास है। एक बात, दूसरा कल आपकी जीएस की क्लास हुई थी, आपके कल लगभग मैंने 150 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, तो वो पीडीएफ मैंने चैनल पर डाल दिया है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जान लेंगे। दोस्तों मेरा नंबर है क्या, मेरा नंबर है 8303197750, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो। जिन लोगों को क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो सभी लोग इस नंबर पे मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा। और आज आज की क्लास है दोस्तों, आज आप लोग का विथ आंसर आप लोगों को मैं अभी डाल दूंगा। तो दोस्तों अभी तक का जो मैंने पीडीएफ डाले थे उसमें आंसर नहीं थे, लेकिन अभी मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों की, आप लोगों को आंसर भी मिल जाएंगे और पुरानी क्लासेस के आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सभी लोग क्लास के बाद शेयर भी कर देंगे। दीपेंद्र यादव, रंजीत मीना और शेख निजामुद्दीन, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग क्लास को अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आएंगे। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा, 8303197750 ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे से पीडीएफ ले लो और आज से आप लोगों की विद आंसर 1 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है ये, और ये है आपका केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में कई ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में ये सोच के मत चलना कि यहां पर आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसा मत सोचना, ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 14-14 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, केवल केमिस्ट्री के ही आते हैं। तो केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ना है और पहला क्वेश्चन देखना है। तो सभी लोग क्लास को अच्छे से शेयर भी कर लेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज मेरा नेट भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। व्हाट्सएप बेटा दिनेश मेरे भाई, किया है अभी, किया है मैंने, किया है, देखो, ठीक है। तो देखो सबसे बड़े आयन आकार के साथ आयन चुने, देखो मेरे पास ध्यान रखना दोस्तों, चूज द आयन विद द लार्जेस्ट आयन साइज, सबसे बड़े आयन साइज के साथ किसी एक आयन को आपको चुनना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था या नहीं दिया था। अब दोस्तों हमें बताना है कि यहां पर निगेटिव चार्ज लगा है, पॉजिटिव लगा है, निगेटिव लगा है, पॉजिटिव लगा है, तो आपको यह बताना है कि सर इनमें से सबसे बड़ा आयन साइज किसका है। तो सर हम क्या करते थे, हमेशा क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, हम लोग कैटायन और एनायन देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो दोस्तों कैटायन एनायन का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया था। अब इसमें क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर दोस्तों कैसा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है ना। और जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज लग जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यानी अर्जित कर लेता है, ऐसा ही तो होता है। अब सर हम यहां पे देखते हैं, सर ऑप्शन दिए हैं यहां पर F विद निगेटिव चार्ज, O विद 2 निगेटिव चार्ज, Na फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। अब आपको यह बताना है कि दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा आयन साइज किसका है, कौन से आयन का है, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है, 9 में एक माइनस जुड़ेगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सर एटॉमिक नंबर होता है 8, इसमें 2 निगेटिव चार्ज जुड़ जाएंगे तो इसका भी हो जाएगा 10। दोस्तों यहां है आपका सोडियम, क्या है भाई आपका सोडियम, तो सोडियम आपका कितना हो गया, आपका सोडियम कितना हो जाएगा भाई, सोडियम हो जाएगा आपका 11, है ना। और 11 में दोस्तों अब हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, पॉजिटिव लगा है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 10। और एक लगा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में दोस्तों 2 पॉजिटिव है तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया सर, सभी का जो एटॉमिक नंबर आ रहा है यहां पर, आपका जो आयन आ रहे हैं सभी का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। सर इसमें हम पता कैसे करें कि सबसे बड़ा आयन साइज किसका है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो जब ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगते हैं ना, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या में भिन्नता आती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, चेंज होती है या नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर दोस्तों प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रहेगी, प्रोटॉन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन की संख्या में
कोई भी चेंज नहीं होते हैं, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, यहां निगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज लगे होते हैं, इससे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज आता है, लेकिन सर प्रोटॉन की संख्या में यहां पर कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर हो गया? अब यहां पर कह रहा है सर कि लार्जेस्ट आयन साइज किसका होगा, तो देखो इन लोगों ने तो लॉस किया है, इन्होंने तो लॉस किया है ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो इनका आयन साइज तो बड़ा हो नहीं सकता। अब सर इनमें से आपका फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका आयन साइज बड़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों आयन साइज किसका बड़ा होगा, ऑक्सीजन का बड़ा होगा विथ टू निगेटिव चार्ज। क्यों? जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का दोस्तों प्रोटॉन भी संख्या क्या हो गया, नौ हो गया ना, तो प्रोटॉन तो नौ ही रहेगा, आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की संख्या एक जुड़ गई तो वो दस हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो कितना ही रहेगा, नौ रहेगा। तो दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऐड होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींच सकता है। जब कोई भी नया इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसकी तरफ अपनी तरफ क्या करेगा, ये उसको खींचेगा, खींचेगा कि नहीं। अब ये तो केवल एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यानी कि जब ध्यान रखिएगा, जब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोस्तों अट्रैक्ट किए जाएंगे या खींचे जाएंगे, आयन का साइज उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयन का साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो फ्लोरीन का भी आयन साइज इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का भी आयन साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का आयन साइज ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। सभी का क्लियर है कि नहीं, सभी का क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर आपका सोडियम मैग्नीशियम तो हो ही नहीं सकता बेटा साक्षी, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं तो इनका आयन साइज तो अपने आप ही घट गया। अब इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन है, तो दोस्तों आयन साइज किसका बड़ा है, आपका ऑक्सीजन का बड़ा है। क्लियर हो गया? इस चीज को ध्यान रखना मेरे दोस्त, एग्जाम में ये चीजें आती है। पहला कैटायन एनायन पढ़ लो, ठीक है, इन चीजों को याद कर लो। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, निगेटिव कर रहा है तो गेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होते हैं लेकिन प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहते हैं, अगर ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जाएगा, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उसका आयन का साइज उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया? इस चीज को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एक दिन चार दिन पहले भी करवाया था, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, और नहीं पढ़ सकते तो मैं जिस दिन आपको अनाउंस कर दूंगा आपको चैनल पे भी बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, शेयर कर देना और सभी लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, ठीक है। सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कसकटा अमरबेल क्या है। दोस्तों देखो आप सभी ने पढ़ा है कि अमरबेल क्या होती है। सर मैंने कह कहा ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो चीकू अमरूदपुर वाले, चीकू अमरूदपुर वाले जी कृपया करके आप बातें मत करिए, ठीक है। मैं आपको बोला, मैं बार बार कमेंट पढ़ता नहीं हूं इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है ठीक है। चलिए भाई, और नवलेंद्र ओके ओके ओके, सभी की बात सही है, सभी को देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमरबेल क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना अमरबेल किस वर्ग में आती है, ध्यान रखिएगा अमरबेल दोस्तों परजीवी के वर्ग में आती है। अमरबेल किस वर्ग में आती है, परजीवी के वर्ग में आती है। अमरबेल दोस्तों एक प्रकार का क्या है, प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अमरबेल के बारे में, कहते हैं अमरबेल जिस पेड़ पे चढ़ जाए वो पेड़ ही खत्म हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो किस वर्ग में आता है दोस्तों, ये पैरासाइट वर्ग में आता है, यानी कि यह परजीवी वर्ग में आता है। कौन सा वर्ग है भाई, ये आपका परजीवी वर्ग है। क्लियर हो गया? परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वो होते हैं जो किसी और पर निर्भर करते हैं, किसी और जीव पर, किसी और जीव पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो किसी और जीव पर निर्भर करने वाले जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरासाइट कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप लोगों ने प्लाज्मोडियम और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या एसके हेलमिंथिस, प्लैटी हेलमिंथिस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ध्यान होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अमरबेल होती है इसको डॉडर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको डॉडर्स प्लांट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यार बड़ी गर्मी है यार आज, इसको पूछा जा सकता है क्या, इसको दोस्तों पूछा जा सकता है, अमरबेल को क्या पूछा जा सकता है कि ये डॉडर प्लांट के नाम से भी जान जाती है। क्लियर हो गया? सभी का क्लियर है कि नहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन आया सर, सर ध्यान रखिएगा यहां पर क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सर सेप्रोफाइट क्या होते हैं, सर एपीफाइट क्या होते हैं,
सर जेरो फाइट क्या होती है, ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग के लिए है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे और मन लगा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चल दिनेश बेटा प्लीज करके हाथ जोड़ के आपसे कृपा है कि यहां पर कोई भी बात नहीं करेगा, मैं एक शिक्षक स्टूडेंट के सामने बात कर रहा है, कह रहा है कि कृपया करके पढ़ाई करो, ठीक है, ठीक है। मेरे किसी भी लेवल को ऊपर तक लेके मत जाओ, क्या फायदा होगा, जो आप चाह रहे हो मैं वही कर दूंगा, मैं क्लासेस ऑफ कर दूंगा, फिर यहां पर पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, ठीक है। आप यही चाहते हो ना, यही चाहते हो। भगवान आप लोगों में जो भी ऐसा अगर सोच रहा है, जो अनावश्यक तत्व आपके बीच में है और अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपनी जीवन के बारे में सोच लेना, ऐसी बद्दुआएं लगेंगी बेटा अगर यहां पर न्यूसेंस क्रिएट करोगे कि जीवन में कभी उभर नहीं पाओगे, अगर क्लास के में दिक्कत पैदा करने की कोशिश करोगे तो। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग यहां दिक्कत देते हैं, ठीक है, बाकी सब पढ़ने वाले। चलो नेक्स्ट, जेरोफाइट क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों, जेरोफाइट को हम लोग बोलते हैं मरुद्भिद। मरुद्भिद वो प्लांट होते हैं जो प्लांट मॉइस्चर खींचते हैं, जो हवा से क्या लेते हैं, जो हवा या फिर मान लीजिए एटमोस्फियर से, जो दोस्तों एटमोस्फियर से क्या लेते हैं, एटमोस्फियर से जल प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पेड़ों को हम क्या बोलते हैं, आप जेरोफाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेरोफाइट वो पेड़ होते हैं जो हवा से या एटमोस्फियर से क्या प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, इनमें आप कभी भी जान सकते हो, कभी आपने सुना होगा जिम्नोस्पर्म, क्या सुना है, जिम्नोस्पर्म। तो अब इतने पे भी उन लोगों को अगर शर्म नहीं आई तो वो लोग अभी भी कमेंट करेंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। तो देखो जिम्नोस्पर्म जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे पाइन का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, ओक का पेड़ है, वो सारे पेड़ दोस्तों जिम्नोस्पर्म होते हैं और जेरोफाइट होते हैं, ठीक है। सर एपीफाइट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, सर एपीफाइट क्या होते हैं, एपीफाइट कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। सर एपीफाइट क्या होते हैं, एपीफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं, ध्यान रखिएगा, दूसरे पौधों पर, दूसरे प्लांट्स पर, दूसरे प्लांट्स पर उगने वाले पौधे, दूसरे प्लांट्स पर उगने वाले जो पौधे हैं उन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको हम लोग बोलते हैं एपीफाइट्स, क्लियर है। ध्यान रखिएगा ये एपीफाइट जो होते हैं दोस्तों, इनके बारे में सुन लेना, एपीफाइट जो होते हैं आपको पता है, एपीफाइट जितने भी हैं ये एपीफाइट दोस्तों क्या करते हैं, ये केवल बैलेंस लेते हैं, केवल फिजिकल सपोर्ट लेते हैं, बड़े पेड़ों का बैलेंस लेने के लिए, फिजिकल सपोर्ट लेने के लिए ये पेड़ क्या करते हैं, ये पेड़ आपके बैलेंस उनका लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग दोस्तों क्लास को शेयर भी करेंगे, ध्यान सुना। सेप्रोफाइट क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेप्रोफाइट जैसे कि दोस्तों फंगी आ गया, ठीक है, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गए, तो बैक्टीरिया और फंगी मैक्सिमम दुनिया में, जैसे मैक्सिमम फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं ये सड़े हुए जीवों को खाते हैं या डेड चीजों को खाते हैं, तो सड़ी हुई चीजों को खाने वाले दोस्तों क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, क्लियर हो गया। तो देखो एपीफाइट जो अन्य पौधों के ऊपर उगते हैं, जेरोफाइट जो एटमोस्फियर से जल ले लेते हैं, और पैरासाइट आपको बताई दिया, सेप्रोफाइट आपका हो गया, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, इसको एक बार, मुझे ये नहीं समझ में आता जो लोग इतने कमेंट करते हैं वो लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैसे मारते हैं, लिखते कैसे, ये नहीं समझ में आता है ना। एक शिक्षक की बात मेरे दोस्त अगर नहीं मान पाओगे ना, इतने क्वेश्चन अभी तक मैं आप लोगों को, जब से मैं आया हूं यहाँ पर, जब चार पांच महीने पहले मैं आया था, इतने साइंस के क्वेश्चन करा चुका हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया ना। अगर अभी भी आप में से वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो मेरे दोस्त, अपने जीवन को धोखा दे रहे हो अगर आप ये कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मैं पढ़ने वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं जो लोग यहां पर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, टीचर लगा है यहां मेहनत करने में और यहां स्टूडेंट्स मजे ले रहे हैं, वाह क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युतीय होगा, अरे यहां इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात हो रही है, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मकता की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता की बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछा है, देखो कितना अजीब टाइप पूछा है कि सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, ठीक है। नवलेंद बेटा तुम पढ़ाई करो, ठीक है, पहले भी मैं कह चुका हूं। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है आपको ये बता सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर आएंगे तो ध्यान रखिएगा सर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है सर, फ्लोरीन की होती है, होती है नहीं होती है, तो सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सर होता है कितना, 9, होता है या नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा
जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो किसकी है दोस्तों, वो आपकी फ्लोरीन की होती है, क्लियर है। लेकिन सर यहां पर अगर करेंगे दो आठ चार क्या हो गया सर, 14 15 17 और ये हो गया आपका क्या 16, है ना। तो दोस्तों यहां तो 9 आ ही नहीं रहा, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता जो होती है फ्लोरीन की है। लेकिन अगर यहां फ्लोरीन नहीं है ना दोस्त, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर क्लोरीन है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्लोरीन यानी कि आपका 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद तो नंबर किससे ही आएगा, फ्लोरीन के बाद नंबर आएगा किसका, क्लोरीन का। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होगा, क्लोरीन। देखो क्वेश्चन को सीधे क्लोरीन भी लिखा जा सकता था, लेकिन सीधे नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया आकाश, प्लीज करके थोड़ी हेल्प करिए कमेंट बॉक्स में। देख वहां सनोज नाम का कोई लड़का है, वो मनाली को फिर तंग कर रहा है, ये फेक आ रहे हैं जरा गरिया दो, ठीक है। तो देखो भाई 287 तो यानी कि आपका 17 हो गया, तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है दोस्तों, क्लोरीन का। अगर फ्लोरीन नहीं दिया है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, क्लोरीन होगा। अगर क्लोरीन नहीं यहां पर फ्लोरीन दिया होता तो आंसर फ्लोरीन हो जाता, क्लियर है कि नहीं है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 14 एटॉमिक नंबर किसका है सर, ये सिलिकॉन का हो गया। 15 किसका हो गया भाई, 15 आपका फास्फोरस का हो गया कि नहीं। 16 किसका हो गया सर, आपका सल्फर का हो गया। तो ध्यान रखिएगा आंसर यहां पर आपका क्या आएगा, क्लोरीन। देखो एग्जाम में अभी तक सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो आपके ये आए हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की, और उसके बाद किसकी होती है, क्लोरीन की। ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं तो क्लोरीन आएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो किसकी होती है, इसको कोई बता के दिखाए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है, विद्युत धनात्मकता जो होती है, वो किसकी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है और ये टफ भी हो जाता है जब आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं, आप लोग एग्जाम में क्या नहीं करते, आप लोग एग्जाम में यहां पर इनके बारे में पढ़ के नहीं जाते। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपको बतानी है किसकी होती है भाई, बताओ भाई। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है किसकी, सीजियम और किसकी, फ्रांसियम की, ठीक है। ध्यान रखिएगा सीजियम और फ्रांसियम, फ्रांसियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा माना सीजियम को जाता है, क्योंकि क्योंकि फ्रांसियम जो होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा फ्रांसियम आपका फ्री स्टेट में नहीं होता है, और फ्री स्टेट में नहीं है इसीलिए आपका क्या नहीं माना जाता है, फ्री स्टेट में नहीं है इसीलिए आपका सीजियम को माना गया है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है दोस्तों, सीजियम होता है, क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आएगा दोस्तों तो किसका आएगा, सीजियम का आएगा, जो कि कौन से ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आता है। और उसके बाद फ्रांसियम को भी कहा जाता है, लेकिन फ्रांसियम फ्री स्टेट में नहीं होता, जिसकी वजह से दोस्तों क्या है, फ्रांसियम को यहां पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। सभी क्लियर है, हाँ, सीजियम और फ्रांसियम बिल्कुल सही। तो सोनम कुमारी, राहुल आर कुमार, मनाली गुप्ता और राहुल इस्लाल, सभी लोग प्यार से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट इसको मान लीजिएगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन रटे हुए एग्जाम में आते हैं। बाकी आपको मैं जैसे ही पीरियोडिक टेबल के लिए क्लास में आपके समय मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा, चैनल पे भी अनाउंस कर दूंगा। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो कि आपको मैं पीरियोडिक टेबल की क्लास कब लगाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्लास कब लगने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो अगर दोस्तों पीरियोडिक टेबल आपने नहीं पढ़ी है कहीं, पीरियोडिक टेबल अगर आपने नहीं पढ़ी है तो दोस्तों क्या होगा पता है, यहां पर आपके साथ क्या होगा कि आपका वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं। वैसे मैं क्वेश्चन में भी डिफाइन कर देता हूं, देखो क्या कह रहा है, मेंडेलीव ने एक तत्व के लिए बोरोन के नीचे और अल्यूमिनियम के नीचे के तहत एक अंतर छोड़ा, जिसके बाद में पता चला कि यह तत्व था। तो देखो ध्यान से रखना, मेंडेलीव लेफ्ट वन गैप अंडर बोरोन एंड अल्यूमिनियम। कहते हैं मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी, मेंडेलीव की थ्योरी, डोबारिनियर की थ्योरी, है ना, और मोजलेस की थ्योरी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस पीरियोडिक टेबल में दोस्तों बोरोन और अल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ी गई थी। तो ध्यान रखिएगा जो जगह छोड़ी गई थी उसमें दोस्तों कौन सा एलिमेंट आया, उसमें आपका गैलियम आया। क्या आया दोस्तों, आपका गैलियम आया। ध्यान रखिएगा मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल को इसीलिए पूरा नहीं माना गया क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा यहां पर दोस्तों अल्यूमिनियम के नीचे पूछा है, क्योंकि क्योंकि ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर स्कैंडिनेवियन दिया नहीं है, ठीक है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे भाई, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्कैंडियम दिया नहीं है, ठीक है,
अगर बोरोन के नीचे की बात करेंगे तो स्कैंडियम होगा, लेकिन स्कैंडियम यहां पर कहीं दिया नहीं था, तो यहां आंसर क्या होगा, गैलियम होगा। ठीक है, तो अल्यूमिनियम के नीचे जो था वो क्या था, गैलियम है, और जो बोरोन के नीचे है दोस्तों वो क्या है आपका, स्कैंडियम है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों हो सकता है कि आपको गैलियम की जगह क्या लेकर आ जाए, स्कैंडियम। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर इन्होंने बोरोन नहीं पूछा है, या फिर इनको ऑप्शन में पूरा लिखना चाहिए था कि स्कैंडियम और गैलियम, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां अल्यूमिनियम के नीचे का पूछा है, तो क्या होगा आंसर आपका, गैलियम होगा। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी को देखिए, आप कमेंट बॉक्स देख रहे हो ना, आप भी तो नहीं लिख रहे हो मेरे दोस्त, मैं तो केवल आंसर देख रहा हूं। ठीक है ना, टीचर को सिखा रहे हो मेरे दोस्त, है ना। अमरीश कुमार गौतम जी, क्या सर बार बार कमेंट क्यों देख रहे हैं? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तो पड़ेगा 10 बार मेरे दोस्त, फर्क पड़ेगा 10 बार। ठीक है, लेकिन फर्क पड़ेगा जिस दिन ये ऑफलाइन आ जाए ना, उस दिन फर्क पड़वा दूंगा इनको मैं, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूलैंड के देखो, अभी मेंडेलीव के बारे में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार दो समान तत्वों के बीच एक्स तत्व है, एक्स का सही मान चुने। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो दोस्तों पीरियोडिक टेबल बनाई किसने, आपके न्यूलैंड ने। दोस्तों अगर हम लोग न्यूलैंड की बात करेंगे तो सर न्यूलैंड की जो ऑक्टेव थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी दोस्तों, ऑक्टेव थ्योरी थी, वो पता है कैसे बनी थी, सारे गामा पादा निशा जैसे था वैसे। अब देखो सा रे गा मा पा धा धा और नी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान सुना, सा तो फिर से आ जाएगा, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन और फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ऑक्सीजन में यहां पर सा लग जाएगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये हो गया सा और ये हो गया सा, ये दोनों एक से हैं या नहीं है। अब इनका कहने का जो नियम था, न्यूलैंड की जो ऑक्टेव थ्योरी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो सारे गामा पादा निशा के बेसिस पे बनी थी, और इन्होंने बोला था कि जब दो समान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो ये दो एलिमेंट के बीच का जो गैप होगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। पहला सा और आठवां वाला सा ये तो एक जैसे हैं, तो दो एक जैसे एलिमेंट के बीच में गैप कितना होगा दोस्तों, आपके 6 एलिमेंट का गैप होगा। तो ध्यान रखिएगा ये इनकी ऑक्टेव थ्योरी थी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी के बारे में ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पीरियोडिक टेबल में आपको ये सब बताऊंगा, लगभग 3 या 4 क्लासे लगेंगी जिनमें आपके ये क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में कितने एलिमेंट हो गए दोस्तों, 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। और ये केवल यहीं पर नहीं है, आप कहीं भी लगाएंगे ना, अगर ऑक्सीजन के बाद भी लगाएंगे तो भी दोस्तों वही होगा। ठीक है, वही होगा, उसके बीच में कितने एलिमेंट का गैप होगा, 6 एलिमेंट का गैप होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो दोस्तों एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स बराबर आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। जय महाकाल जी, पढ़ लिया। हाँ मनु कुमार यादव जी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, कि वो इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे को मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं, मैं आप लोग क्लास छोड़ूंगा नहीं, आप लोग में जो पढ़ने वाले हैं मुझे उनकी चिंता, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनकी घंटा चिंता नहीं है मेरे को, लेकिन जो पढ़ने वाले उनकी चिंता है। अगर मैंने 1000 क्वेश्चन की क्लास बोली है ना दोस्त, तो मैं बीच में आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं कहीं से भी करूं कुछ भी करूं, लेकिन मैं करूंगा क्लास, इस क्लास को मैं पूरे खत्म आपके लिए करूंगा। और उसमें दोस्तों एक पीरियोडिक टेबल की क्लास जरूर लाएंगे, क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री में कुछ भी एग्जाम में आएगा तो पीरियोडिक टेबल ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोस्तों ध्यान रखिए न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी सारे गामा पादा निशा के बेसिस पे थी, जो एक्स बराबर 6। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है भाई। देखिए सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव कौन सा है? तो देखो दोस्तों यहां पर क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा बिगेस्ट सिंगल सेल, सिंगल सेल का मतलब दोस्तों क्या कह रहे हैं, ये एक कोशिकीय जीव के बारे में पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना मेरी बात, एक कोशिकीय जीव जो सबसे बड़े थे, एक कोशिकीय जीव जो सबसे बड़े थे उनमें दोस्तों जो था वो आपका कौन सा है, वो आपका कॉलेरपा टैक्सीफोलिया था। ठीक है, कॉलेरपा दोस्तों आपका टैक्सीफोलिया जो था ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, पहली बात तो आपको मैं बता दूं ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का एल्गी है। ठीक है, दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सी वीड भी कहा जाता है, समुद्री क्षेत्र में प्रशांत महासागर और कैलिफोर्निया क्षेत्र में पाया जाने वाला ये एल्गी दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट एक कोशिकीय एल्गी है, या एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है जिसको क्या बोलते हैं,
कॉलेपा टैक्सीफोलिया है और ये एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ठीक है, जय माता जी से करा देंगे लेकिन आप ध्यान से देखिए। ठीक है चलिए, हाँ भाई ये भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल सही, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे पढ़ लो, कॉलेपा टैक्सी पे गया या कॉलेपा टैक्सीफोलिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एक कोश के ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है दोस्तों, आपका टैक्सीफोलिया। क्लियर है। अब एग्जाम में देखो ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का आपका फंगी है। एसिटेबल एरिया क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एसिटेबल एरिया भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ये एल्गी ही है। क्लियर हो गया। और उसके बाद एसिटोबैक्टर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एसिटोबैक्टर मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में आता है, ध्यान से सुन लेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्लियर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब पौधों को पर्यावरण से ऑक्सीजन, तो पौधों को पर्यावरण से जो नाइट्रोजन मिलती है वो नाइट्रोजन मिलती है नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नाइट्रेट का निर्माण करने का काम कौन करता है दोस्तों, एसिडोबैक्टर करता है। एसिडोबैक्टर एसिडी जो है ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला आपका बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया दोस्तों क्या करता है, ये बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रदान करता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रदान करने का काम कौन करता है आपका, एसिडोबैक्टर करता है। क्लियर हो गया, सभी का क्लियर है कि नहीं। चलिए बिल्कुल सही मेघा शर्मा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये इसी में काम आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वो आपका कॉलेपा टैक्सीफोलिया है ना। अगर दुनिया का स्मॉलेस्ट पूछ लेगा तो क्या बताओगे, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का स्मॉलेस्ट जो एक कोशिकीय जीव है, मैंने आपको पहले भी बताया है, माइकोप्लाज्मा कहो हाँ, माइकोप्लाज्मा कहो हाँ, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, बताई थी या नहीं बताई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एक कोशिकीय जीव है और ये एक प्रकार का दोस्तों क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। और दुनिया का सबसे छोटा जो एक कोशिकीय जीव है दोस्तों वो माइकोप्लाज्मा है। समझ में आया, सभी क्लियर है। इसकी जो टोटल इसका जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर इसका साइज है। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा आपका टैक्सीफोलिया हो गया, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, एक बात, अगर लार्जेस्ट सेल पूछेगा एग्जाम में तो क्या बताओगे, सर लार्जेस्ट सेल तो सभी को पता होगा, सभी लोग इसके बारे में बताएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो है कोशिका है वो कौन सी है, आप इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड ये आपको बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, माइकोप्लाज्मा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, ऑस्ट्रिच बिल्कुल सही बताया अनूप स्टडी सर्किल जी, बिल्कुल सही बता रहे बेटा आप। ठीक है, दुनिया का लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन है, ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। मानव शरीर में सबसे मोटी, मोटी का मतलब क्या बोला है, थिकेस्ट बोल रहा है, तो सबसे मोटी त्वचा कहां होती है, तो देखो अपने शरीर में खोजो सबसे ज्यादा हार्ड क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपके हाथ पाम की जो स्किन है एक ये, और बिल्कुल आपके ऐसे ही पैर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर पाम तो लिखा नहीं है, यहां पर दोस्तों क्या नहीं लिखा है, पाम तो लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर पैरों के तल तो लिखे हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में यह भी आ सकता है कि पाम यानी कि आपके जो पंजा होता है, आपकी जो हथेली होती है, ध्यान रखिएगा, आपकी हथेली और आपके आपके पैर का जो वो है तल है, यानी कि जो फीट है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, मोटा होता है, इसकी मोटाई सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा मोटी त्वचा यही होती है। क्लियर हो गया सभी का, एपिडर्मिस एंड स्किन रेडिएशन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया कि नहीं, ध्यान रखिएगा, इसका जो टोटल इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 1.5 mm। ठीक है, 1.5 mm होती है आपकी पाम की और आपके पैर के तल की। अगर दोस्तों थिकेस्ट पूछा है तो कभी एग्जाम में यह भी आ सकता है, सबसे पतली स्किन किसकी होती है, आपको यह बताना है, थिनेस्ट स्किन बताइए कहां पर होती है, सभी को यह बताना है दोस्तों, थिनेस्ट स्किन कहां होती है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आपकी आंखों की जो पलकें होती है ना, सबसे ज्यादा थिन होती है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आपकी आईलिड, आईलिड यानी आंखों की जो पलकें होती है, सबसे पतली जो स्किन होती है वो आपकी कहां पर होती है दोस्तों, आपकी आंखों की पलक होती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा, 0.5 mm इसका साइज होता है। ठीक है, 0.5 mm, इसको ध्यान रखिए। अगर दोस्तों एग्जाम में ये आया है, थिकेस्ट आया है, तो थिननेस भी पूछा जाता है, इनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी का।
आईडी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे भाई, ठीक है। जय माँ काल। बेटा प्लीज करके आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बातें मत करो, ठीक है। चलिए तो दोस्तों धारण की थिकनेस क्या होगी आपकी हाथ पैर की होगी, और थिननेस होगी आपकी किसकी, आपकी आंख की होगी। दोस्तों एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी आपको ये बतानी है। ये क्वेश्चन अब नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। सबसे छोटी जो आपकी बोन होती है वो कौन सी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है। अब ये क्वेश्चन बेटा बूढ़े हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। आपको एग्जाम में अगर आ जाएगा सबसे थिननेस्ट बोन कौन सी है ये बताओ, सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है आपको ये बताना, ठीक है। सभी लोग बताएंगे भाई सबसे पतली हड्डी आपके शरीर में कौन सी है आपको ये बताना है भाई। तो देखिए सबसे थिनेस्ट बोन कौन सी होती है दोस्तों, सबसे थिनेस्ट बोन होती है आपकी फिबुला। कौन सी होती है दोस्तों, फिबुला। ध्यान रखिएगा सबसे पतली हड्डी जो आपके शरीर में है वो फिबुला है, जो कि आपके लेग्स में पाई जाती है, आपके पैरों में पाई जाती है। आपके पैरों में दोस्तों सबसे मोटी आपकी फीमर हो गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी आपकी स्टेपीज हो गई, सबसे बहुत सही, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे थिनेस्ट बोन कौन सी होती है दोस्तों, फिबुला होती है। क्लियर हो गया सभी, क्लियर है तो सभी लोग क्या करेंगे एक बार इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे जरा। देखो अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है दोस्त, लेकिन ये क्वेश्चन आपको तंग करेगा। देखो अंडे से नया नया निकला टैडपोल, सर फंस गए हम, सर हम फंस यहां गए कि सर टैडपोल क्या होता है हमें ये नहीं पता। तो ध्यान रखना दोस्तों जो मेढक होता है, दोस्तों जो मेढक होता है, मेढक अंडे देता है, मेढक क्या देता है अंडे। तो मेढक के अंडे से, मेढक के अंडे से निकला हुआ लार्वा जो है, मेढक का अंडे से जैसे ही बच्चा निकलता है ना दोस्त, तो उसको क्या बोलते हैं टैडपोल कहते हैं। क्या बोलते हैं टैडपोल। तो एग से तुरंत ले जन्म लेने वाला, तुरंत जन्मित, जन्मित जो उसका मतलब जो मेढक होता है, मेढक होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग टैडपोल। क्या बोलते हैं टैडपोल। तो ध्यान रखिए दोस्तों अंडे से नया नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपकी फिश यानी मछलियां, मछलियों के शरीर में गिल्स होते हैं जिससे वो क्या लेती है, सांस लेती है। दोस्तों ध्यान रखना अगर हम एम्फीबियन की बात करें, अगर हम एम्फीबियन की बात करें सर, या फिर हम उभयचर की बात करें जिसमें की सर मेढक आते हैं, जिसमें कौन आते हैं मेढक आते हैं, ध्यान रखना इस बात को, कैसे ध्यान रखना इस बात को कि जो एम्फीबियन होता है ना दोस्त, एम्फीबियन ध्यान रखिएगा ये एम्फीबियन मेरे भाई चेंज हुए हैं, ये एम्फीबियन आपके फिश से क्या बने हैं, ये फिश से आपके एम्फीबियन बने हैं। और इनका जो बच्चा पैदा होता है ना, इनका जो बच्चा पैदा होता है टैडपोल, शुरुआत में वो गिल्स से सांस लेता है। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आपको फिर बता रहा हूं मेढक की प्रजाति मछली की प्रजाति से परिवर्तित हुई है, तो जब इसका बच्चा क्या करता है, इसका बच्चा जन्म लेता है, इसका बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आकाश आकाश देखो जरा ये क्या हो रहा है, जब इसका बच्चा जन्म लेता है फ्रॉग तो लंग्स से सांस लेता है, और फ्रॉग आपका स्किन से सांस लेता है, लेकिन जब ये बच्चा होता है ना दोस्तों तो ये काहे से सांस लेता है, गिल से। क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो मछली की तरह होती है। क्लियर हो गया सभी का, सभी के लिए। नहीं बेटा गिल्स एंड लंग्स नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो टैडपोल होते हैं ये फ्रॉग के बच्चे होते हैं, और फ्रॉग के जो बच्चे हैं ध्यान रखिएगा इनके अंदर लक्षण जो होते हैं उनके लक्षण दोस्तों फिश की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं, फिश की तरह होते हैं, और शुरुआत में ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके गिल्स से ही सांस लेते हैं, गलफड़े सांस लेते हैं। क्लियर हो गया सभी का, क्लियर है कि नहीं। तो देखो भाई उसके बाद लंग्स की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रॉग जो है वो लंग्स से सांस लेता है, और ये स्किन से भी सांस लेता है। क्लियर हो गया, स्किन से भी लेता है, इससे भी लेता है। गिल्स में आपके ये हो गए, स्किन में हम लोग मैमल्स आ गए, यानी कि हम लोग स्तनधारी, सॉरी स्किन में नहीं, स्किन स्किन से तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही फ्रॉग ही हो जाएगा। क्लियर है, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपने लंग्स से सांस लेते हैं। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो देखिए आपको ध्यान से सुनना है, ग्लेशियर हमेशा सबसे पहले डैश पर पिघलते हैं। सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लेशियर सबसे पहले
जनरेटर दुख 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 दुख। मेरे भाई ऐसे कैसे समय मिल जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवे का आंसर पूछ रहा है ग्लेशियर सबसे पहले कहां से पिघलते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कहां से पिघलते हैं? सबसे पहले ये अपने तल से पिघलते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। देखो भाई, जब अभी आपने देखा जो आपका नंदा देवी का ग्लेशियर पिघला है, काय का ग्लेशियर पिघला है? नंदा देवी का जो ग्लेशियर पिघला है दोस्तों, जो अभी आपका बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उसमें होता क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है ना, सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर आपके बेस पर ही होता है। क्लियर हो गया? और जहां पर मैक्सिमम प्रेशर होता है ना दोस्तों, अगर जहां पर मैक्सिमम प्रेशर की बात करेंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट, जो गलनांक भी होता है, यहां पर अगर मैक्सिमम प्रेशर है तो मेल्टिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों गलनांक बिंदु क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर ध्यान रखिएगा, ये आपके तल में दबे होने की वजह से, ये मैक्सिमम प्रेशर की वजह से सबसे नीचे का भाग पिघलना क्या होता है? शुरू होता है। और जब ये नीचे का भाग पिघलता है ना, तो पर्वतों की तरह ही इनके ऊपरी भाग क्या होते हैं? टूटते हैं। और टूट के फिर ये दोस्तों तबाही मचाते हैं। ठीक है, तो तबाही तो ऊपर वाले पार्ट से ही मचती है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? आपकी तल से ही होती है, आपके बॉटम से होती है। क्लियर हो गया सभी का? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार सभी लोग क्लास को जरा सा शेयर भी कर देंगे भाई अच्छे से, है ना? और जो लोग पढ़ रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का विश्व से उन्मूलन किया जा चुका है? तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोलियो से भारत ने, ध्यान रखिएगा यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, यहां विश्व की बात हो रही है, पोलियो से भारत को मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, पोलियो को भारत से मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहां दोस्तों विश्व की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर आपकी बात स्मॉल पॉक्स की हो रही है। देखो यहां पर दोस्तों भारत नहीं लिखा है, अगर भारत के लिए लिखा जाता तो हम कुछ और बोलते, लेकिन ध्यान रखिएगा स्मॉल पॉक्स आपका पूरे विश्व से 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कोरोना के लिए सपना देखता है कि कोरोना से विश्व को स्वतंत्र कर दिया जाए, तो नहीं हो रहा है स्वतंत्र। 1980 में WHO ने स्मॉल पॉक्स से पूरी दुनिया को क्या घोषित कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि अब दुनिया में क्या नहीं है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं है। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो इसको दोस्तों चेचक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? छोटी माता भी कहते हैं। क्लियर हो गया सभी का? किलिमंजारो पर ज्वालामुखी है, हाँ बिल्कुल सही, किलिमंजारो आपका ज्वालामुखी ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो मेरे दोस्त, यहाँ पर बातें मत करो प्लीज, करके बातें मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स के वायरस, ये तो एक वायरस की बीमारी है ना, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरिसेला वायरस इसके वायरस का क्या है दोस्तों नाम है? क्लियर हो गया? और वेरिसेला वायरस दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है दोस्तों क्या, माइनर। तो मेजर वाला खत्म हो गया है, लेकिन माइनर के अभी भी असर दिख जाते हैं। क्लियर है सभी का? क्लियर है कि नहीं? सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, 1980 में WHO ने स्मॉल पॉक्स से दुनिया को घोषित कर दिया था कि दुनिया स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, लेप्रोसी की बात करें, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग कहते हैं। तो दोस्तों इसके जो इसका फैलावक है, जो इससे जिससे ये शुरू होता है, वो क्या होता है दोस्तों? क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे इसका क्या है, वाहक के रूप में क्या करता है, काम करता है। क्लियर हो गया है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर से आपका केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है, देखने में आपको लगेगा कि ये आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, चलिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सल्फर, देखो सिलिकॉन नहीं लिखा है, पहली बात ध्यान रखिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सल्फर आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के हैं, इनमें से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एसिडिक ऑक्साइड, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सर हम यहां सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, सल्फर की बात करें, तो देखो सोडियम मैग्नीशियम, फिर क्या है, एल्यूमिनियम, और फिर क्या है सर, सल्फर है। तो ध्यान से सुनना, पहले यहां सिंपल दिख रहा है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, ये आपके बेसिक है, क्या है ये आपके बेसिक, तो छोड़ दो, लो
ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, आपके मेटल है, है कि नहीं है। और मेटल कैसे होते हैं दोस्तों, मेटल आपके क्षारीय होते हैं। मेटल कैसे होते हैं, क्षार होते हैं या क्षारीय नेचर के होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड भी होते हैं वो भी तो क्षारीय होंगे। लेकिन दोस्तों जो सल्फर है, सल्फर तो क्या होता है सर, सल्फर तो अधातु है, यानी कि सल्फर क्या है, सल्फर दोस्तों नॉन मेटल है। और कितनी बार हमने पढ़ा है कि दोस्तों जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनके ऑक्साइड भी क्षारीय नेचर के होते हैं। लेकिन दोस्तों जो सल्फर होता है, जो सल्फर या फिर जो भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल दोस्तों कैसे होते हैं, नॉन मेटल अम्लीय नेचर के होते हैं या फिर एसिडिक नेचर के होते हैं। और इनके ऑक्साइड भी कैसे होते हैं दोस्तों, ऑक्साइड भी इनके एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है, सभी का क्लियर है कि? तो ध्यान रखिए भाई, आपका आंसर देखो साफ साफ दिख रहा है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये तीनों आपके मेटल हो गए। तो जो सल्फर है आपका क्या है, सल्फर आपका कैसा ऑक्साइड बन गया दोस्तों, एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं, तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं। तो देखो फिर से पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन वेस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस नोन एज। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इन वेस्ट अंडर कंट्रोल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है, इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, तो दोस्तों जब भी इसको डिकम्पोज किया जाएगा तो ये डिकम्पोज किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ध्यान रखिएगा, जो दोस्तों ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जितना भी डिकम्पोजिशन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कंपोजिटिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आंसर क्या आपका कंपोजिटिंग, 12 का आंसर डी मार रहे हैं, 12 का आंसर पायरोलिसिस मार रहे हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, पायरोलिसिस क्या होता है आपको पता है, पायरोलिसिस के बारे में आप बता सकते हैं। पायरोलिसिस हमेशा एब्सेंस ऑफ क्या है, ताप अपघटन। ध्यान रखिएगा, यहां पर हीटिंग होती है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ क्या, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हीट किया जाता है तो वो पायरोलिसिस होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सीधे सीधे ऐसे याद कर लो, जब किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीकंपोज करते हैं तो वो कंपोजिटिंग होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हीट करते हैं तो वो दोस्तों क्या होता है, पायरोलिसिस होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका आंसर क्या होगा, कंपोजिटिंग। क्योंकि क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू वेस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। दोस्तों कंट्रोल कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पर किसकी उपस्थिति आएगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति आएगी। क्लियर है सभी का, तो 12वें का आंसर क्या हो गया, 12वें का आंसर हो गया आपका कंपोजिटिंग। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करेगा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वहां पर आपका आंसर क्या आएगा, पायरोलिसिस आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पायरोलिसिस और कंपोजिटिंग दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में अंतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो एक वृक्ष की आयु का पता, पता है कैसे लगता है, हम लोग तो नहीं लगा सकते लेकिन जान सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक तना है, कोई भी मान लेते एक तना है, आपने किसी भी पेड़ के तने को काटा तो इसके अंदर दोस्तों क्या होती है, इसकी रिंग्स होती हैं, इसके अंदर दोस्तों रिंग्स होती हैं। और ये जो रिंग होती है ना, यही रिंग्स बताती है कि इस पेड़ की उम्र कितनी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके तने होते हैं, जो आपका स्टेम होता है, स्टेम के जो रिंग्स हैं वो रिंग्स बताते हैं। खैर हम लोग को तो ये पता नहीं कर सकते, लेकिन ये थ्योरी है कि तनों के जो रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे छल्ले उसमें बने होते हैं, ये छल्ले दोस्तों बताते हैं कि पेड़ कितने साल आराम से जी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वार्षिक वलयों, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको वलय कहते हैं। ठीक है, इसको वलय कहते हैं। तो वार्षिक वलयों की गिनती करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वार्षिक वलयों की गिनती करके हम किसी भी पेड़ की क्या कर सकते हैं, उसकी उम्र पता कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां वार्षिक, सॉरी यहां वार्षिक मतलब क्या, यहां पर आप एनुअल, एनुअल का मतलब दोस्तों क्या है, अरे यार
या एनुअल का मतलब क्या है ध्यान रखिए, एनुअल का मतलब आपका वार्षिक नहीं है, एनुअल का मतलब इसकी जो वलय होती है ना, वलय को बोलते हैं एक एनुअल, दो एनुअल, तीन एनुअल, चार एनुअल, ऐसे करके इसकी वलय के नाम होते हैं, तो इसकी एनुअल वलय बोला जा रहा है। तो वलय मतलब कि उसकी रिंग्स, इस रिंग से पता चलता है कि उस पेड़ की उम्र कितनी है। क्लियर हो गया कि नहीं? किसी भी पेड़ की उम्र उसकी ऊंचाई से पता नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों क्या करेंगे, हाँ, इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक डेंड्रोलॉजी होती है, एक डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को दोस्तों शेयर भी करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोरमैन मैग्नम, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ये चीज अगर पता नहीं होगी तो ये चीज कभी नहीं आएगी। देखो हमारी जो खोपड़ी होती है ना, हमारी खोपड़ी में एक छेद होता है, आप कभी भी छुइएगा, ये पीछे साइड, आपके मस्तिष्क के पीछे साइड यहां पर एक छेद होता है, उस छेद के बारे में आपको यहां पर पूछ रहा है कि फोरमैन मैग्नम, ध्यान रखना, रंध्र मैग्नम जो होते हैं ये एक द्वारक है जो कहां होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपर्चर का मतलब हो गया गेट, अपर्चर का मतलब क्या हो गया गेट। तो जैसे हमारा ये मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का ये जो पिछला हिस्सा है ना दोस्तों, इस पिछले हिस्से में एक छोटा सा होल होता है, ध्यान रखिएगा, इस होल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीपटल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इस होल को बोलते हैं, जो पार्ट है वो बोलते हैं ऑक्सीपटल कहते हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होल है ये ऑक्सीपटल पार्ट होता है और ये आपके मस्तिष्क के सबसे पीछे होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका खोपड़ी, आंसर क्या आ जाएगा खोपड़ी, ध्यान रखिएगा। इसी को सर हम लोग, ये एक ध्यान रखना, ये एक लैटिन नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये एक लैटिन नाम है, बिल्कुल खोपड़िया में। तो फोरमैन मैग्नम क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, ये एक यूनानी शब्द है, जो यूनानी शब्द इस नाम को डिनोट करता है, ऑक्सीपटल को, जो कि एक होल है आपके मस्तिष्क के पिछले पार्ट में, ये सेरेबेलम के नीचे पार्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका क्या है, आपके स्कल में पाया जाता है। क्लियर हो गया। सर गिरडिल क्या होती है? सर हमारे हाथों को शरीर से जोड़ना, पैरों को शरीर से जोड़ने के लिए चार प्लस दो हड्डियां होती हैं, इसको हम मेखलाएं कहते हैं। क्लियर हो गया, सभी का क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन वही करेगा जो इसके पेपर ध्यान देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे मेरे भाई, प्लीज करके क्लास को शेयर भी करो। ठीक है, खोपड़ी के पीछे, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? सर इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है मेरे भाई, जो ये कह रहा है कि उसमें नाइट्रोजन किसका, किसमें किसका घटक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको यहां कार्बोहाइड्रेट लग रहा है तो ये गलत है। सर विटामिन भी गलत है, सर वसा भी गलत है, आंसर होगा आपका पिरोटीन। क्या होगा? पिरोटीन। क्यों? क्योंकि सर पिरोटीन को हम कहते हैं पिरोटीन, सर हम इसको अमीनो एसिड कहते हैं, कहो हाँ, अरे बोलो हाँ। तो सर ये पिरोटीन है, तो ध्यान रखिएगा सर ये आपका क्या है, अमीनो एसिड है, ये लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लग गया H, ये लग गया आपका NH2, यानी कि लगा अमीना, अमोनिया लगा कि नहीं लगा, और अमोनिया लगा तो यहां पर नाइट्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रोटीन के घटक में कौन आता है, नाइट्रोजन आता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अगर इसी क्वेश्चन को सर उल्टा कर दे और पूछे कि इनमें से कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका घटक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो दिन पहले भी मैंने आपको बताया था सर, कार्बोहाइड्रेट आपका CnH2nO(n) होता है, होता है कि नहीं होता है सर? 1:2:1 के अनुपात में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पूछेगा सर तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, नाइट्रोजन पूछेगा सर तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन हो जाएगा, और अगर सर ग्लिसरॉल पूछेगा, ग्लिसरॉल पूछ ले, या फिर सर क्या पूछे, फैटी एसिड कह दे, तो सर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल ये सब किसके घटक के रूप में आ जाते हैं? सर ये फैट के घटक है। सभी का क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी लोग ध्यान से क्लास को पढ़ेंगे भाई, मन लगा के एक बार क्लास को पढ़ लो मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त। ये नहीं समझ में आता कि जो क्लास में आ जाते हैं बवाल करने के लिए, हाँ अभी तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चले गए बवाली, ठीक है, ठीक है।
चलिए अनूप सेठी सर्किल जी, चिकू अमरिंदर वाले भैया, जनरेटर दुग दुग वाले भैया, चीन से शी जिनपिंग भैया, दीपू, अरे मेरे दोस्त, कैसे कैसे यार नाम रखते मेरे भाई, कैसे ऐसा समय मिल जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड बना लो, समय मिलना बंद हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान सुनो कि यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसके रक्त नहीं है लेकिन फिर भी वो श्वसन कर रहा है। मेरे दोस्तों ध्यान रखो, अगर हम अपनी बात करें, किसकी बात करें, अपनी बात करें, तो सर हमारे पास होता है एक लंग्स, होते हैं कि नहीं होते, हमारे पास फेफड़े होते हैं सर, फेफड़े के नीचे होता है दिल, दिल है कि मानता नहीं, है ना, दिल है कि मानता नहीं। तो सर दिल क्यों नहीं मानता है, क्योंकि सर दिल लंग्स से बहुत प्यार करता है। क्यों, रक्त जब आता है, रक्त चरित्र जब रक्त आता है तो रक्त पहले जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स इसको ऑक्सीजन देता है, फिर ये जाता है हार्ट में, और फिर हार्ट क्या करता है, इसको शरीर की ओर, महाधमनियों की ओर भेज देता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ब्लड पहले यहां से जो जाता है उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, यहां से जो आता है इसके पास ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों अगर आपके पास हार्ट है, हार्ट में रक्त आता है, तो हार्ट और लंग एक दूसरे को प्यार करने वाले हैं। तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे बिना तू नहीं रह सकती, इसीलिए तो मैं तेरे पास ही में रहती हूं। तो लंग्स के जस्ट पास होता है कौन, हार्ट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जिसके पास रक्त तो होता ही नहीं है लेकिन फिर भी वो सांस लेता है, सांस लेता है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रा यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या है आपका, हाइड्रा। मेरे दोस्त ध्यान रखना सर, पहली बात तो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा सर एक सिलेंट्रेटा जीव है, हाइड्रा सर एक सिलेंट्रेटा जीव है, या इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह आपका एक अकशेरुकी जीव है। कैसा जीव है भाई, यह आपका अकशेरुकी जीव है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइड्रा के पास क्या नहीं होता है, हाइड्रा के पास रक्त नहीं होता है लेकिन ये फिर भी क्या करता है सर, ये फिर भी दिल लगा रहा है। तो दिल क्यों लगा रहा है सर, इसलिए लगा रहा है कि ये हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा के शरीर में सीधी ऑक्सीजन आती है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस जो आपका हाइड्रा वाला जो प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं कि ये पहली बात तो आपका एक यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यूनिसेलुलर है हाइड्रा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके पास रक्त नहीं है फिर भी ये क्या कर रहा है, श्वसन कर रहा है। तो सीधा श्वसन जो होता है वो इसकी स्किन के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, ये इसकी स्किन के माध्यम से होता है। तो सीधा स्किन के माध्यम से श्वसन करता है और फिर सीधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं सर। हाइड्रा मुकुलन प्रक्रिया करता है, कौन सी प्रक्रिया सर, सर ये मुकुलन प्रक्रिया करता है जिसको हम बडिंग भी कहते हैं, जो कि एक प्रजनन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है सर, ये एक प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रा अपने शरीर में निकलने वाले छोटे छोटे मुकुल जो होते हैं, छोटे छोटे जो बड होते हैं, उनको निकाल के दोस्तों ये क्या करता है, नए हाइड्रा बना सकता है। क्लियर है, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपका जो हाइड्रा होता है दोस्तों, ये जो सीधा ऑक्सीजन श्वसन स्किन के माध्यम से करता है, इसी को दोस्तों बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग डिफ्यूजन प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए सर, आज आपके लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन में तगड़े तगड़े लेकर आया हूं, क्योंकि केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन युक्त प्रतिस्थापन उत्पाद देगा। भाई मेरे, प्रतिस्थापन की बात कर रहा है, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है सर। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आती है ना, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर क्या होता है, कैसे होता है, जैसे मैंने आपको एक दिन MCl3 करके बताया था क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कार्बन है, तो कार्बन के पास कितनी, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो मान लीजिए यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर आपका, अरे आजा, तो यहां पर दोस्तों क्या है आपका, मान लीजिए CH4 मीथेन है, तो यहां पर क्लोरीन जिसकी एटॉमिक नंबर कितना है, 17, यानी 2, 8 और 7,
इसको एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करने है, शेयर मारने है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो आराम से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर क्या लग जाएगा, क्लोरीन। जब कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को प्रतिस्थापित करके वहां पर लग जाता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आपका क्या है, कौन सा ऐसा उत्पाद है जो दोस्तों क्या है, क्लोरीन को रख लेगा। तो देखो ध्यान रखना, यहां पर आपका CH3 है या नहीं है, तो ध्यान रखिए दोस्तों यहां सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो यहां पर आपका एल्केन है, यहां डबल बॉन्ड, पहली बात तो ये गलत है, ये जो बना है ये गलत है दोस्तों, खुद देखो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं दिखाता हूं, देखो कार्बन की वैलेंसी थी 4, यहां पर 4 हाइड्रोजन पहले लगे हैं, 5-6, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत है, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, तो एक यहां पर बॉन्ड आ गया, तो ये तो बन सकता है। अब दोस्तों यहां बड़े आराम से आप हाइड्रोजन को हटा हटाकर वहां पर क्या जोड़ सकते हो दोस्तों, अब वहां पर क्लोरीन जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हीलियम यानी कि इनका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये बड़े आराम से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके साथ, ये क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन को एक चाहिए था तो वो आराम से इसकी जगह पर लग जाएगा, तो एच हट के वहां क्या आ जाएगा, वहां क्लोरीन आ जाएगा। यहां पर दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड लगा है और ये एल्काइन है, क्या है दोस्तों, ये एल्काइन है, और आप सभी को पता है कि एल्काइन, एल्काइन हाइड्रोजन को, एल्काइन कंपाउंड में हाइड्रोजन इतनी स्ट्रॉन्गली जुड़ा होता है कि ये वहां पर हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं। तो पहली बात तो एल्काइन तो क्या नहीं करने वाले, इनसे रिएक्ट करेंगे ही नहीं, इनके साथ वो जाएंगे ही नहीं, तो यहां पर ये आंसर होगा नहीं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो यहां सिंगल बॉन्ड में आपका आराम से क्लोरीन जुड़ सकता है, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाकर किसको लगाया जा सकता है दोस्तों, क्लोरीन को लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आवृत्त के साथ और एक समूह के साथ तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में सही कथन चुनिए। देखो क्या कह रहा है ये दोस्तों, पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा है कि, पूछ रहा है कि इधर जाने पर और इधर जाने पर रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस आता है, सभी लोग ध्यान से बताएंगे, ठीक है। जनरेटर दुख दुख दी जी, क्लास की टाइमिंग अनुप सेठी सर्कल जी, क्लास की टाइमिंग 9:30 है, ठीक है, तो सभी लोग को ध्यान से देना है, तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर आपको आंसर में क्या पूछ रहा है दोस्तों, आंसर अब मैं आपको पूछ रहा है कि पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी आवृत्ति में, यानी कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ए पीरियड एंड अलोंग ए ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये एक ग्रुप या पीरियड के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है, होती है या नहीं होती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंक्रीज अलोंग ए ग्रुप, ग्रुप की बात हो रही है, तो अगर ग्रुप में दोस्तों हम लोग जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, तो ये हो गया आपका बेसिक सा आंसर, क्लियर हो गया, ठीक है। और देखो अगर यहां इंक्रीज है तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, प्रॉन की बात कर रहा है, पहली बात तो प्रॉन को ध्यान रखना, प्रॉन एक झींगा मछली है, कैसी मछली है, झींगा, पहली बात कि ये क्या नहीं है दोस्तों, ये आपकी मछली है ही नहीं, प्रॉन क्या नहीं है दोस्तों, मछली होती नहीं है, ये होता है आर्थ्रोपोडा जीव, कैसा जीव है दोस्तों, ये आर्थ्रोपोडा, अगर आप लोगों ने एग्जाम में पढ़ा है तो आर्थ्रोपोडा, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है, आर्थ्रोपोडा एक प्रकार का अकशेरुकी जीव है, कैसा जीव है दोस्तों, ये एक प्रकार का अकशेरुकी जीव है, और आर्थ्रोपोडा में आता है आपका प्रॉन, तो कह रहा है कि प्रॉन का जो दिल है वो दिल कैरीज, क्या कैरी करता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रॉन होता है ना, प्रॉन के बारे में ध्यान रखिएगा, प्रॉन बराबर आता है, सबसे बड़ा वर्ग है अकशेरुकी वर्ग का, सबसे बड़ा वर्ग है कौन सा, आर्थ्रोपोडा, और ध्यान रखिएगा ये सीधा सीधा क्या लेता है, ये सीधा सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, यानी कि दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सीधा सीधा कैसा ब्लड ले रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका जो दिल है ना, इसका दिल सीधा सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेता है, क्लियर हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त करता है। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान सुना, अगर ह्यूमन की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारा हृदय जो है, हमारा दिल, हमारा दिल बॉडी से ब्लड लेता है,
और जब वो बॉडी से ब्लड लेता है तो जब वो ऊपर ब्लड लेगा तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं होता। फिर ये हार्ट क्या करता है, ये हार्ट लंग्स को क्या प्रदान करता है, लंग्स को ब्लड प्रदान करता है, फिर लंग्स इसको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और फिर ये बॉडी में जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो हृदय है दोस्तों, हमारे हृदय में दोनों प्रकार का ब्लड आता है, ऑक्सीजन वाला भी आता है और बिना ऑक्सीजन वाला भी आता है। लेकिन जो दोस्तों प्रॉन होता है, प्रॉन का हृदय केवल कौन सा ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजनेटेड लेता है दोस्तों, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेता है। क्लियर हो गया, सभी क्लियर है? हाँ, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा और सेकेंड मोलस्का है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। शी जिनपिंग की गुड्डे जैसी शक्ल ना बनाओ, ठीक है, इतनी अच्छी शक्ल तो शायद किसी की भी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में शीघ्रता से होती है। देखो क्या कह रहा है सर, सर ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों वो कैसी लाइट बोला जाता है, वो आपका व्हाइट लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, व्हाइट लाइट। सर इस व्हाइट लाइट में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें कितनी प्रकार के रंग होते हैं, सर इसमें आपके 7 प्रकार के रंग होते हैं, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं कि नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि जब हमारे पौधे, जब पौधे दोस्तों फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य का प्रकाश व्हाइट लाइट होता है, और ये कितने रंग का होता है, विभ्यो। अगर किसी को लग रहा हो रेड लाइट तो वो भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों वो सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, डार्कनेस, वाह मेरे दोस्त, वाह, नहीं नहीं वाह, क्या बात है, प्लांट्स क्या करते हैं, डार्कनेस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। यार ऐसा मत करो मेरे दोस्त, तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, और इसीलिए थ्योरी से थोड़ा भाग रहा हूं मैं, क्योंकि थ्योरी थोड़ी छोड़ रहा हूं इसलिए, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लेना, कि जो प्लांट्स होते हैं ना दोस्तों, प्लांट्स सबसे ज्यादा कलर कौन सा एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सबसे ज्यादा कम कौन सा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम अवशोषण जो होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। यही कारण है, जब क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे मान लो मेरी टी शर्ट इस कलर की दिख रही है, तो ये क्या है, प्रकाश की किरणें सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन केवल इस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है। तो प्लांट हमें ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत मिनिमम एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन कलर को, तभी प्लांट हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी का क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, और हाँ एक चीज और, जो प्लांट मैक्सिमम अवशोषण करते हैं वो कौन सा कलर है। तो प्लांट्स मैक्सिमम अवशोषण जो करते हैं वो सर कैसा करते हैं, रेड कलर का करते हैं। कैसा करते हैं, रेड और किसका, ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन चूंकि यहां व्हाइट लाइट दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट लाइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को हम क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं समझ में, क्योंकि ये जब हमने कभी पढ़ी नहीं होती है। ठीक है, रोहित कुमार जी, क्लास 9:30 रात में होती है, आपको बताया गया है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वृक्ष के तनों में रहने वाले नवनिंद्र, तुम आजकल कुछ, मुझे लग रहा है, वैसे तुम बेटा ऐसे थे नहीं, नवनिंद्र आजकल तुम कुछ कर रहे हो, कुछ गड़बड़ है ना, कुछ लेते वैसे तो नहीं हो मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि तुम्हें मैंने देखा है तुम पढ़ाई करते हो, लेकिन अभी आजकल तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मैं तुम्हें, तुमसे मिलना पड़ेगा, मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं तुमसे जरा बात करता हूँ, तुमको उठा के पटकूंगा मैं। तो देखो, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वृक्ष के तनों में जो प्राणी रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बोरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्बोरियल। मैंने यहां क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है यहां पर ये ना आए लिखकर, तो ध्यान रखिएगा, आर्बोरियल, आर्बोरियल वो जीव होते हैं जो जीव दोस्तों किस पे रहते हैं, वृक्ष के तनों पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ध्यान रखिएगा, लेपर्ड भी रहता है, ध्यान रखिएगा, लेपर्ड अपने से ज्यादा भारी जीव को गर्दन पकड़ के ऊपर तक ले जाता है, और ऊपर ले जाके भी छोड़ देता है। ठीक है, फिर यहां पर आपके बर्ड्स भी आ जाएंगे, है ना, बर्ड्स भी इसी में आ जाएंगे, बर्ड्स भी तो पेड़ों पे रहती हैं, तो घोंसले बनाती हैं, तो बर्ड्स हैं,
ऐसे जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं, लेपर्ड क्यों पेड़ों पे जाता है, क्योंकि वो चीते से डरता है, वो आपके लायन से डरता है, इसीलिए वो ऊपर जाके अपना भोजन करता है। उसके बाद एम्फीबियन क्या होते हैं दोस्तों, एम्फीबियन वो होते हैं उभयचर, जैसे कि आपके क्या हो गए, मेढक हो गए, क्लियर हो गए दोस्तों। एक्वाटिक क्या होते हैं, जैसे कि आपकी फिश, ये एक्वाटिक है, ऑक्टोपस, ये एक्वाटिक हो गए, ठीक है। और वॉलेंट क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, वॉलेंट जितने भी होते हैं दोस्तों, फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म या फ्लाइंग जो जीव होते हैं, जो उड़ने वाले जीव है, जैसे कि आपके बर्ड्स हैं, आपकी इंसेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी उड़ने वाले कीट पतंगे होते हैं, जितनी भी चिड़ियाएं होती हैं, वो सब किस में आती है दोस्तों, ये फ्लाइंग जीव में आते हैं। क्लियर हो गया सभी का, सभी क्लियर है? अच्छा, लॉयन भी चढ़ जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। दीपू कुमार बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सबसे असंस्कारी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जुकाम फैलाता है। देखो यार, अभी का जो मौसम है ना, आपको पता है अभी का जो मौसम है आपका, मार्च का महीना, मार्च के महीने में नाक सूखती बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर होता है वो 33 से 35 डिग्री के बीच में आसपास रहता है, तो इस टेम्परेचर के दौरान, या फिर दोस्तों जनरली सर्दी के मौसम के दौरान भी जब नाक ज्यादा सूखती है, तो एक प्रकार का कॉमन वायरस होता है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइनो वायरस। इसको क्या बोलते हैं, राइनो वायरस। ये आपके जो फेफड़े हैं ना दोस्तों, आपके फेफड़े की जो इकाई होती है एल्वियोली, आपको मैंने पहले भी बताया था, एल्वियोली सर क्या है, एल्वियोली हमारे फेफड़े की इकाई है, तो इन एल्वियोलियों को ये इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे सामान्य जुखाम खांसी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको वो किसकी वजह से होता है, आपका राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। राइनो वायरस एक प्रकार का वायरस है जो आपके लंग्स की एल्वियोली को जनवरी से मार्च के बीच में ज्यादा तंग करता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर या तो बहुत कम होता है या 33 से 35 डिग्री सामान्यतः इस समय में होता है, तुरंत इन्फेक्ट होता है आदमी, तो वो ये होता है, ठीक है। और इस समय की तो एक बड़ी खासियत है मेरे दोस्त, कि किसी को अगर क्या आ गई, छींक आ गई ना, किसी को अगर छींक आ गई तो आदमी सोचता है अरे कोरोना हो गया, है ना, आदमी छींक आती है तो बिलुम से भागता है, ठीक है। उसके बाद वेरियोला वायरस, सर वेरियोला वायरस के बारे में मैंने आपको बताया था सर, जो स्मॉल पॉक्स होता है, जो चेचक होती है, वो वेरियोला वायरस की वजह से होती है, ठीक है। सर एचआईवी वायरस की वजह से क्या होता है सर, एड्स होता है, क्लियर हो गया। और सर टी4 वायरस क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, लिख लेना इसको, टी4 वायरस आपको बता दूं, हमारे आपकी जो बड़ी आंत होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, मैंने आपको बताया था, हमारी आपकी बड़ी आंत में एक एसरिकिया कोली नाम का एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया दोस्तों सहजीवी होता है, और वो विटामिन ए और विटामिन B12 का निर्माण आपके आंतों में करता है। ये वायरस दोस्तों क्या करता है, वो एसरिकिया कोली जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका बैक्टीरिया, मैं पहले भी बता चुका हूं, एसरिकिया कोली जो बैक्टीरिया है, ये एक सजीवी बैक्टीरिया है दोस्तों, जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी। क्लियर हो गया कि सभी का क्लियर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, बार बॉडी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। बार बॉडी क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, बार बॉडी क्या होती है, बार बॉडी या बार पिंड किसमें पाया जाता है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बार बॉडी की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो बार बॉडी की अगर बात करें तो देखो, सुनना मेरी बात, आंसर तो हो जाएगा आपका क्या, फीमेल सोमेटिक सेल या मादा कायिक कोशिका, तो सुनना मेरी बात, ठीक है। दोस्तों जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती है, कौन सी होती है सर, एक होती है कायिका, जिसको बोलते हैं सोमेटिक सेल, क्लियर हो गया, और एक होता है दोस्तों जर्म सेल, कौन सा सेल, जर्म सेल। तो दो प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, क्लियर हो गया। अब सुनो, याद कैसे करनी है, जर्म सेल में दोस्तों आपका आता है स्पर्म, ठीक है, जो पुरुषों में जो स्पर्म होता है, यानी कि जनन के लिए, जो प्रजनन के लिए बहुत जरूरी होता है, और दोस्तों जो फीमेल में एग होता है, फीमेल का एग और मेल का जो स्पर्म है, ये दोनों जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, ये आपकी जर्म सेल बोली जाती है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद अन्य सभी, पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में केवल इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, अन्य सभी सेल जो होती हैं वो कौन सी होती है दोस्तों,
सोमैटिक सेल होती है। कौन सेल होती है? सोमैटिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनो सर, ध्यान रखिएगा, सोमैटिक का मतलब तो समझ में आ गया हमको सर, लेकिन ये फीमेल में ही क्यों लिखा है? तो देखो गुणसूत्र की बात हम बताते हैं आपको, पहले भी आपको बताया है दोस्तों, अगर हम लोग गुणसूत्र की बात करेंगे यानी कि क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, तो गुणसूत्र की बात करेंगे तो एक होता है मेल, एक होती है फीमेल, होती है या नहीं होती है? फीमेल का जो 23वां गुणसूत्र पेयर होता है वो एक्स एक्स होता है और मेल का एक्स वाई होता है। क्लियर हो गया? होता है या नहीं होता है? अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, अगर एक्स और एक्स मिले तो बेबी होगा, मतलब लड़की होगी, वाई और एक्स मिले तो क्या होगा? लड़का होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रजनन के दौरान फीमेल का, प्रजनन के दौरान फीमेल के दोनों एक्स काम नहीं करते हैं, मतलब दोनों एक्स प्रजनन में भाग नहीं लेते। तो ध्यान सुनना, जो दोस्तों अक्रिय रहता है ना, जैसे मान लेते हैं ये वाला एक्स अक्रिय है, तो जो एक्स गुणसूत्र 23वें पेयर में जो एक्स गुणसूत्र फीमेल का अक्रिय होता है, जो प्रजनन में भाग नहीं लेता है, इसी एक्स को दोस्तों क्या बोलते हैं? आपकी बार बॉडी कहते हैं या बार पिंड कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी का क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? ऑटोसोम्स एंड सेक्स रूम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी लोग मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, ध्यान रखना, गुणसूत्रों में महिला का यानी फीमेल का जो 23वां पेयर गुणसूत्र होता है उसमें वो गुणसूत्र जो दोस्तों अक्रिय होता है, जो कि प्रजनन में भाग नहीं लेता है, उस गुणसूत्र को दोस्तों क्या बोला जाता है? आपका बार बॉडी या बार पिंड कहा जाता है। क्लियर है? सभी का क्लियर है कि नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल में मत करना, क्योंकि मेल में दोस्तों एक्स और वाई उनके पास एक ही एक्स है, तो वो उनका प्रजनन में टेक पार्ट का मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, फीमेल का जो वो गुणसूत्र जो अक्रिय है, जो प्रजनन में भाग नहीं ले रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बार बॉडी कहते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या कह रहा है? जो नी जॉइंट होता है ना, नी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नी जॉइंट को इनमें से क्या कहा जाता है? तो मेरे पास ध्यान सुनना, आंसर हो जाएगा हिंज जॉइंट। मैं आपको इसका कारण बता देता हूं। तो देखो, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन अलग तरीके से आया था। सुनो, जैसे आपका, जैसे दोस्तों कब्जा होता है, कब्जा हमारे घरों में जो दरवाजों में जो कब्जे नहीं लगते हैं, तो जैसे वो दरवाजा जो एक ही साइड खुलता है वो पूरा घूमेगा नहीं, दरवाजा पूरा तुम घुमा नहीं देते, चरखी की तरह घुमा देते हो, तो दरवाजा एक साइड खुलता है। तो जैसे हमारा हाथ हो गया, तो हमारा हाथ की जो एल्बो हो गई, तो हमारी हाथ की जो एल्बो है पीछे तो चली नहीं जाएगी। तो एल्बो क्या है दोस्तों? ये आपका कौन सा जॉइंट है दोस्तों? ये आपका हिंज जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? हिंज। हिंज का मतलब जो बस ऐसे खुले। तो ऐसे पार्ट हमारे शरीर में दो सबसे मेन है, एक तो आपकी एल्बो हो गई, क्लियर है कि नहीं? एक तो आपकी क्या हो गई दोस्तों? एल्बो हो गई, और एक आपकी क्या हो गई? नी हो गई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके घुटने और एल्बो के जो जॉइंट होते हैं, ये कौन से जॉइंट होते हैं दोस्तों? ये आपके हिंज जॉइंट कहलाते हैं, क्योंकि ये कहीं आगे पीछे, मतलब एक ही साइड खुलेंगे और एक ही साइड बंद होंगे, ये अपोजिट साइड में नहीं जा सकते हैं। क्लियर हो गया? सभी का क्लियर है? चलिए, हाँ बेटा नवलेंद्र, साइनोवियल, मेरी बात ध्यान सुनो, ये जॉइंट टोटल, ये जो पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आर्थ्रोडिया जॉइंट, जितने भी जॉइंट है ना, इनका जनरल नाम होता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट इनको जनरली हम कहते हैं, उसी साइनोवियल जॉइंट के अंदर आपके सारे जॉइंट आते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद पाइवोट जॉइंट, जैसे कि ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका रिस्ट, आपकी जो कलाई है, आपकी कलाई है, आपकी गले की हड्डी है, निक बोन, जो नेक जो बोन होती है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपकी कलाई की हड्डी, ये आपकी आगे पीछे राइट लेफ्ट, बस इतना ही तो घुमा पाओगे, और कहीं नहीं घूम सकती। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पाइवोट जॉइंट होता है, ये पाइवोट की तरह होता है। क्लियर है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ध्यान रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपकी वेस्ट होती है, आपकी कमर और आपकी पैर की हड्डी, ये आपकी कमर का निचला पार्ट है और पैर की हड्डी ऐसे, तो वो दोस्तों बॉल की तरह होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी वेस्ट प्लस आपकी जो फीमर होती है, फीमर, ध्यान रखिएगा, ये जो हड्डी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इनका जो पेयर होता है उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। सॉकेट आपकी कमर की हड्डी होगी और बॉल आपकी फीमर की हड्डी का पार्ट होगा, जो ऐसे ऐसे घूमता है। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर है? सभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, डिसलाइक्स वालों की तो बात ही बता दो यार, डिसलाइक्स वालों के क्या बोले, पहले डिसलाइक मार देते हैं, चलो पढ़ेंगे, है नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है,
जिसका नाम क्या है, सुनना मेरी बात, बहुत सिंपल सा है। हमारी जो आंख होती है, क्या होती है सर, हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख की रेटिना में दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है कोन सेल, कौन सी सेल, एक होती है कोन सेल और एक होती है दोस्तों रॉड सेल। ठीक है, दो प्रकार की आपकी सेल होती है, कोन सेल और कौन सी सेल, रॉड सेल। ठीक है, अब दोस्तों जो रॉड सेल होती है, ध्यान रखिएगा, जो दोस्तों क्या होती है आपकी रॉड सेल जो होती है, रॉड सेल आपको अंधेरे में देखने के लिए सहायक होती है। ठीक है, ये अंधेरे में दृष्टि को जो करवाती है, और कोन आपको उजाले में देखने के लिए सहायक होती है। क्लियर हो गया। अब ये जो कोन सेल होती है ना दोस्तों, ये जो कोन सेल है ये किससे बनी है, इसमें पाया जाता है ऑप्सिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन। क्लियर हो गया। और आपका जो दोस्तों रॉड सेल होती है, इसमें पाया जाता है रोडोप्सिन। ध्यान रखिएगा, रोडोप्सिन। ठीक है, तो रोडोप्सिन प्रोटीन जो है, कौन सा प्रोटीन है सर, जो रोडोप्सिन प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन किस सेल में पाया जाता है सर, ये रॉड सेल में पाया जाता है। और ये रोडोप्सिन प्रोटीन दोस्तों क्या करता है, हमें अंधेरे में देखने में सहायक करता है। ठीक है, ध्यान रखना, उल्लू की बात आप जानते हो, उल्लू को रात में दिखता है कि नहीं दिखता है, उल्लू को रात में इसीलिए दिखता है क्योंकि उल्लू का जो रोडोप्सिन प्रोटीन होता है बहुत सक्रिय होता है, जिसकी वजह से उल्लू की कौन सेल कमजोर होती है, रॉड सेल मजबूत होती है, इसीलिए उल्लू दिन में उल्लू की तरह बैठा होता है। मनुष्य जब उल्लू को देखता है कहता उल्लू हो गया बे, तो उल्लू हो क्या बे का मतलब क्या, वो दिन में कुछ करता नहीं है, तो रात में वो क्यों देख पाता है, क्योंकि इसकी रॉड सेल जो होती है वो अंधेरे में देखने के लिए सहायक है, क्योंकि वो उसके पास रोडोप्सिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। तो यहां पर अब तक दोस्तों क्या हो गया, रोडोप्सिन हो गया। क्लियर हो गया, ध्यान रखना, रोडोप्सिन प्रोटीन रॉड सेल में आर से हो जाएगा, कौन सेल में ऑप्सिन प्रोटीन, ये आपका उजाले के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर हो गया सभी का, सभी का क्लियर है। चलिए आगे, इसके बाद क्या आ रहा है सर, आयोडोस्पिन आ रहा है। ठीक है, आयोडोस्पिन क्या है, ध्यान रखिएगा, जो चिकन होते हैं, जो चिकन होते हैं यानी कि आपकी मुर्गी, जो चिकन होते हैं दोस्तों, चिकन के जो रेटिना होती है, चिकन की रेटिना में क्या पाया जाता है, आपका आयोडोस्पिन पाया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे किसी कैरोटीन की, ध्यान रखिएगा, कैरोटीन, कैरोटीन एक प्रकार का पिगमेंट है, एक प्रकार का पिगमेंट जो कि गाजर के कलर के लिए उत्तरदायी है ना, तो ये एक प्रकार का पिगमेंट है जो किसमें पाया जाता है, गाजर में, और गाजर के कलर के लिए उत्तरदायी होता है कैरोटीन, जो कि आपका विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। क्लियर हो गया सभी का, सभी क्लियर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी जिनपिंग जी सुधर जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फेफड़ों के छोटे वायु प्रवाह को देखो, अभी बताया था फेफड़ों की जो इकाई होती है सर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एल्वियोली कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, एल्वियोली। एल्वियोली छोटे छोटे बबल्स होते हैं, या एल्वियोली छोटे छोटे बैलून्स होते हैं, जो कि दोस्तों क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आपके क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश कराते हैं, है ना, आपके शरीर में भेजने का काम करते हैं। कौन, ये छोटे बैलून जो कि आपके एल्वियोली होते हैं। ट्रैकिया दोस्तों ये श्वास नली है, ब्रॉन्ची एक दो तीन और ऐसे ऐसे, तो ये जो दोस्तों पार्ट है ये आपका ट्रैकिया है, ये जो है ये आपका ब्रॉन्ची है, ये लिखा हुआ है। क्लियर है। और दोस्तों लैरिंग्स, लैरिंग्स आपका एक वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या है, आपके श्वसन के लिए जरूरी, मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन के द्वारा जारी ऊर्जा को डैश में संग्रहित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, जब ऑक्सीजन हमारी सेल में आता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारी सेल में एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर ये 36 एटीपी एनर्जी का क्या करता है, निर्माण करता है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के दौरान, कोशिकीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है, और ऊर्जा को डैश में संग्रहित किया जाता है, यानी किसमें किया जाता है दोस्तों, एटीपी में। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, आपका एटीपी हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना, जब कोशिका श्वसन करती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 36 एटीपी बनाता है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया के पास अगर क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है दोस्त, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये वहीं पर दोस्तों क्या करेगा आपका, वहीं पर ये आपकी बॉडी में
लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड का आगे चल के फॉर्मेशन होने वाला है जो आपके शरीर में दर्द का कारण बनेगा, और इस समय केवल 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन करवाएगा तो 36 ATP बनती है, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में करवाएगा तो दोस्तों कितने ATP, 2 ATP बनती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब छोटी आंत, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, अगर अभी ये क्वेश्चन नहीं आया तो दोस्तों आप या तो मैं ही मर जाऊं जाकर, है ना, या फिर आप पढ़ना छोड़ दो। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर का पार्ट क्या होता है, उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूडेनम। क्लियर है? अगर सर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ड्यूडेनम, ठीक है, दूसरा होता है जिजुनम, क्लियर है, और तीसरा होता है दोस्तों क्या, आपका इलियम। क्या होता है? इलियम। यही तो पार्ट आपको बताए थे। एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि जिजुनम में जो रेशे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई नाम के रेशे होते हैं जो कि अवशोषण का काम करवाते हैं। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्लियर हो गया? ईसोफेगस क्या है दोस्तों? ग्रास नली है जो कि पाचन क्रिया में काम आती है, लेकिन यह पाचन क्रिया करती नहीं है, इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। क्लियर हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जितने बवाल करने वाले होते हैं ना क्लास के लास्ट से भाग जाते हैं, इनको आ जाती नींद, है ना, पता नहीं क्या करने आते हैं। भोजन करने के बाद कुछ लोगों को खांसी का एक, देखो कभी कहते नहीं हमारे पापा हमको बहुत मारा करते थे, खाते खाते बोला करता है बदतमीज के का मतलब समझ रहे हो? कहते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, एक बार में एक ही काम होता है। अब जो बवाल करने आते हैं वो पढ़ने थोड़ी ना आते हैं ना। हाँ, ड्यूटेरियम 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, ठीक है। अपेंडिक्स बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है दीपू, अपेंडिक्स आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। चल ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा था खाते खाते हम लोग को बोला जाता है, बोला नहीं जाता, क्यों? क्योंकि हमारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारा जो फेरिंग्स है, हमारा जो हमारी सबसे पहले एक फेरिंग्स नाम का पाइप होता है, जहां से दोस्तों क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन प्लस भोजन दोनों ही जाता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आपकी दोस्तों क्या आती है, आपकी ग्रास नली आती है, यानी कि दोस्तों आपकी खाने वाली नली आती है, तो भोजन इसमें चला जाता है। और दोस्तों यहां पर एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। तो दोस्तों जहां पर ये बट रहे होते हैं ना, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में यहां से आ रही होती है और दोस्तों भोजन इधर जा रहा होता है, तो भोजन जब इधर जा रहा है, ऑक्सीजन इधर जा रहा है, तो यहां पर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या होता है दोस्तों? एपिग्लॉटिस। मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई हैं कि एपिग्लॉटिस क्या है, ये डिवाइस डिवीजन है, ये डिवीजन है आपकी सांस की नली, श्वास नली और आपकी ग्रास नली के बीच, श्वास नली और ग्रास नली के बीच के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्लियर हो गया? डायफ्रेम मैं पहले भी बता चुका हूं, फेफड़े के नीचे एक मसल होती है, फेफड़े के नीचे एक मसल होती है, जब आप दौड़ते हो, जब आप बहुत तेज दौड़ते हो तो दौड़ने के दौरान आपकी जो मसल पेन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका डायफ्रेम कहते हैं। क्लियर हो गया? और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे लगा है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन परेशान करता है दोस्तों। ध्यान रखना, काइमोसिन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका रेनिन प्रोटीन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो रेनिन प्रोटीन जो किसमें से निकलता है दोस्तों? स्टोमक में, हमारे स्टोमक में, ध्यान रखिएगा, हमारे स्टोमक में 2 एंजाइम निकलते हैं, एक निकलता है पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। और एक निकलता है रेनिन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो रेनिन होता है, इसी रेनिन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग काइमोसिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइमोसिन कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो काइमोसिन क्या है? काइमोसिन उस द्रव्य का नाम है, उस एंजाइम का नाम है जिसे हम रेनिन भी कहते हैं, और ये किससे निकलता है दोस्तों? स्टोमक से निकलता है। क्लियर हो गया? सर ट्रिप्सिन किससे निकलता है? ये आपके अग्नाशय से निकलता है, ये बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। ट्रिप्सिन एमाइलेज किससे निकलता है? सर एमाइलेज भी अग्नाशय से निकलता है, लेकिन ये एमाइलेज आपका दोस्तों लार में भी आता है, यानी कि दोस्तों ये लार ग्रंथि से भी निकलता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी का क्लियर है? तो सभी लोग दोस्तों क्लास को शेयर भी करते रहा करिए, और सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहा करिए, और मन लगा के पढ़ाई भी करिए क्या करिए, क्योंकि पढ़ाई करना देखो दोस्तों बहुत जरूरी है। और उन लोगों को डिटेक्ट करो जो लोग क्लास को यहाँ पर न्यूज़ क्रिएट करने आते हैं, क्योंकि हम हर बार कमेंट को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पढ़ाने में दिमाग लगाना पड़ता है। तो आज के लिए देख रखते हैं दोस्तों,
पीडीएफ अभी एक घंटे के अंदर विद आंसर आपकी चैनल पे आ जाएगी, आपके खुद के चैनल पे। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं इसको हटा दे रहा हूं। एक बार लास्ट में आपको बता दूं कि ध्यान रखिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो 8303197750 नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करो। जब आप इस पे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और पीडीएफ के लिए मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस लिंक में आ जाओ। रोज आपको पीडीएफ और आज से विद आंसर आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं, बाकी फिर हम लोग कल से फिर मिलेंगे। रोज 9:30 बजे हमारी क्लास होती है, तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, मन लगा कर पढ़ाई करिए। आपके एग्जाम में एक महीना बाकी है, एक महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जितनी तफरी काटनी होती है तफरी आप काट लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।